द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने मनाया जश्न, उड़े रंग गुलाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ अदिति मुस्कान। खबर बिहार से है, जहां विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में 15वीं महामहिम भारत के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें NDA की घटक दल के समर्थन मात्र से आदिवासी समुदाय की पहली महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, जिसको लेकर बघा पुलिस जिला के लौकड़िया, वाल्मीकि नगर, नौरंगिया, सेमरा, च्यूटहा, गोबरहिया तथा सुंदर जंगली सीमावर्ती क्षेत्रों के दर्जनों गांव के आदिवासी समुदाय के लोगों ने खुशी इजहार करते जश्न के साथ एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मिठाइयां बांटी। इस दौरान भैरोगंज थाना क्षेत्र के मदरहनी गांव में शुक्रवार को आदिवासी समुदाय के महिला व पुरुषों युवाओं ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर जमकर जश्न मनाया। वहीं मौके पर नरेंद्र उराव, सिकंदर उराव, मोहित गोविंद उराव, साधु उराव, रामायण उराव, सुरेंद्र उराव, हुंथा उराव, लालचंद उराव, सत्येंद्र उराव, बुलबुल देवी, सुगंधी देवी, रूपा देवी, पार्वती देवी, सीमा देवी, जानकी देवी, कंपत देवी आदि दर्जनों आदिवासियों ने बधाई दी। इस दौरान खासकर महिलाओं ने कहा कि आदिवासी समुदाय में पहली बार महिला द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी है। इनसे उम्मीद करते हैं कि सभी समुदाय के दबे कुचले लोगों के लिए बेहतर कार्य करें। वहीं आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए बेहतर सोच रखने की पहल कर मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संकल्पित हो। विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के गांवों को सुविधा से लैस कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई जाए। वहीं शिक्षा के क्षेत्र से लेकर नौकरी, राजनीतिक तथा गाँवों के बदहाली, सड़कों तथा अन्य सुविधाओं पर विशेष नज़र रखी जाए। वहीं राजनीतिक धाराओं में आदिवासी समुदाय के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आदिवासी समुदाय के लोगों को विकास के साथ विकसित किया जाए। और हम चाहेंगे हमेशा जी से कि कैसा लग रहा है ये राष्ट्रपति बनना। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने के उत्सव में हम लोग गांव-गांव से हम लोग अपना संस्कृति, बाजा, गाना लेकर, गुलाल लगा कर, मिठाई खिला कर हम लोग झूम नाच रहे हैं कि हम कैसा सा होना चाहिए। सरकार ने जो इतना बड़ा तोहफा दिया है, इतना भी होते हुए हमारा महिला को राष्ट्रपति पद पर चुने गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को धन्यवाद देते हैं आप सभी, हम सभी महिला धन्यवाद देते हैं। विशेषकर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनको धन्यवाद दीजिए, NDA सरकार को दीजिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दीजिए, हेमंत सोरेन जी को दिया जाए, शिबू सोरेन जी को दिया जाए, जो ने एक समाज को लेकर बढ़ चढ़कर काम किया है। विशेष रूप से धन्यवाद, आप लोग सब गांव से आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, पुनः आप लोग के प्रति हम आभार करते हैं और पुनः सरकार के प्रति पुनः हम धन्यवाद देते हैं कि इतने कठिन रास्ते होने के बाद भी अगर कोई चाहे, इच्छा से चाहे, वो अंतिम मुकाम तक, अंतिम आयाम तक पहुंच सकता है। जैसा कि आज आप सभी देख रहे हैं, देश देश में देख रहे हैं, देश के समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में देख रहे होंगे, द्रौपदी मुर्मू ये समाज के अंतिम पौदान पे खड़े रहने वाली, हाथी पे चलने वाली हमारे समाज की वो महिला है जो आज देश के सर्वोच्च पद पे आसीन हुई है। विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं प्रदेश सरकार को जो इस तरीके से सरकार कार्य करेगी हमारे समाज के लिए, हमारा समाज पूरा उस सरकार के साथ खड़ी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी। और अभी एक ऐसा माहौल बना है, अभी इनका पंचायत सचिव पे इनका सिलेक्शन भी हुआ हाल में, ये खुशी डबल होता है हम समाज के लिए, क्योंकि इधर राष्ट्रपति बनना और दूसरा एक छोटा सा सुदूर एरिया में, छोटा सा गांव में एक पंचायत सचिव जैसा बनना, ये ग्राम सेवक, ये बहुत बड़ा चीज़ है हम लोग के लिए, ये डबल खुशी होता है हम लोग के लिए। तो आपसे चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है, दूसरी बात है कि इस पंचायत में हरबजा लक्ष्मीपुर में श्री सुलंदर उराव, प्रमोद उराव के साथ इस समाज के साथ इस त्यौहार को मनाने के लिए बहुत अनुभव लग रहा है। और दूसरी बात है कि सबसे निचली पौदान में रहकर भी उच्च पौदान में पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण की है, इसके लिए हम लोग
अपने समाज के साथ अपना खुशी का इजहार नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को क्या कहना चाहेंगे, सरकार के साथ? सरकार को हम यही कहेंगे कि बड़ा पद पे है, इतने बड़ी पद पर इस आश्रित होने के लिए समय दिया।